Good morning, all dear student. Today we are going to discuss about geography chapter number 2. देखो, basically features of India, इसका जो आइसलैंड का पार्ट है, जो रिवीजन चल रहा था, उसे का डिस्कस करूंगा. आइसलैंड, आइसलैंड जो टर्म है उसे क्या रिप्रेजेंट होता है, जो एक बर्फ का एरिया, बर्फ का एक लैंड को आइसलैंड माना जाता है, जहाँ पर आइस से भरा हुआ रहता है. आइस का टोटली जो फीचर्स है, आइस का कॉन्स्ट्रक्शनल पार्ट. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंडिया हैज ए फास्ट मेनलैंड. तुम लोग को पता है इंडिया जो है वो फास्ट मेनलैंड है, क्योंकि वहाँ पर सारे फिजियोग्राफिक फीचर जो है फाउंड किया जाता है. सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स का जो फीचर्स में से माउंटेन, हिली एरिया, प्लेन एरिया, डिजर्ट, आइसलैंड, कोस्टल एरिया सब यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट भी माना जाता है इंडिया को. बिसाइड दिस द कंट्री हैज टू ग्रुप ऑफ आइसलैंड. इंडिया का बिसाइड सराउंडिंग एरिया में जो जैसे कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में और साउथ ईस्टर्न पार्ट में टू टाइप्स का, टू ग्रुप्स का आइसलैंड मिलता है, जिस जगह का आज डिस्कस करूँगा मैं. कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइसलैंड ग्रुप. तुम लोग को क्या पता है इस आइसलैंड ग्रुप का बारे में. देखो, लोकेटेड द लक्षद्वीप आइसलैंड, लोकेटेड द लक्षद्वीप आइसलैंड लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला. लक्षद्वीप जो है, जैसे कि साउथ इंडिया का जगह मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर जो साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया से लेके यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ पर इस जगह में लक्षद्वीप जो आइसलैंड है वो फाउंड किया जाता है. क्या है? लक्षद्वीप. ये मालाबार कोस्ट का सराउंडिंग एरिया में वहाँ से जाया जाता है ये लक्षद्वीप आइलैंड, जो मालाबार कोस्ट और केरला का पास ही. दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड. इसको स्मॉल कोरल आइसलैंड भी माना जाता है. अर्लियर दे वर नोन एज द लक्षद्वीप. अर्ली पहले का टाइमिंग में इसको लक्षद्वीप नाम से जाना जाता था. मिनिकॉय एंड एमंडाइट. देखो, इन 1973 दिस वेर नेम्ड द लक्षद्वीप. 1973 में लक्षद्वीप जो टर्म है वो 1973 में, जगह को एकदम कॉन्सेंट्रेटली इस जगह को याद रख, 1973 में लक्षद्वीप टर्म यूज किया गया, ये वर्ड का यूज किया गया 1973. इस नाम दिया गया है लक्षद्वीप जो टर्म है वो 1973 में यूज किया गया. इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर. यहाँ पर एरिया जो है लक्षद्वीप का बहुत स्मॉल एरिया है, 32 किलोमीटर का एरिया है. कावारात्री आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. कावारात्री क्या है? इस लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है. एंड कावारात्री लक्षद्वीप जो है वो क्या है, एक्चुअली यूनियन टेरिटोरीज है, इंडिया का यूनियन टेरिटोरीज है, क्योंकि मेन जो सेंट्रल कैपिटल से बहुत ही इसका डिस्टेंस दूर है, इसलिए इसको यूनियन टेरिटोरीज में रखा गया है. और इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कावारात्री. जगह को याद रखें. कावारात्री इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जो है कावारात्री है. दिस आइसलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. लक्षद्वीप जो आइसलैंड है वहाँ पर फ्लोरा और फौना का एक ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. उसका जो वेरिएशन है, इनइक्वालिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरा एंड फौना का. द पिटी आइसलैंड विच इज अनहैबिटेटेड. यहाँ पर पिटी आइसलैंड है लक्षद्वीप का सराउंडिंग एरिया, पास में एक छोटा सा, हैज ए बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर बर्ड का वेरियस मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स का क्या होता है, कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है. तो ये टूरिस्ट प्लेस है लक्षद्वीप, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद देखो, नाउ यू सी द
इंक्लूडेड चेयर आइसलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तुम लोगों को पता है क्या बे ऑफ बंगाल का साउथर्न पार्ट में कौन सा आइसलैंड है? दीस आर द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यहाँ पर कौन सा आइसलैंड है? बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो बे ऑफ बंगाल का यहाँ पर इसी टाइप का मतलब देखने को मिलता है, ये जो आइसलैंड है इस जगह क्या है? अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर जो आइसलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यह बिगर इन साइज, इसका जो साइज है बहुत ही लार्ज साइज है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का। एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर। यहाँ पर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैटर जो वेजिटेशन से वो भी देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप्स का ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। ट्राइबल कम्युनिटीज जो है उसका ग्रोथ यहाँ पर हुआ है कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। दिस एंटायर द ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरी। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है उसको उसका टू ब्रॉड कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। अंडमान जो है वो नॉर्थ का पार्ट में है और निकोबार जो है वो साउथ का पार्ट में है। इट इज बिलीव दैट दिस आइसलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन। यहाँ पर बहुत सारा माउंटेन पार्ट है, माउंटेन रेंज का एलिवेटेड पार्ट कुछ ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन किया गया है पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये माउंटेन का बेसिस में भी ये फेमस आइसलैंड है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। दिस आइसलैंड ग्रुप्स आर द ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। और जो कंट्रीज है यहाँ पर अंडमान निकोबार आइसलैंड का भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है। There is the great diversity of flora and fauna in these groups of islands. Many types of diversities, communities of flora and fauna. Flora means the all communities of plants groups and fauna means all communities of animals groups. उसका जो diversity variation है वो अंदर निकोबार आइसलैंड में देखने को मिलता है। These islands lie towards the equator and experience equatorial climate and has thick the forest cover area. यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में इक्वेटर क्या है, सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो भी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में देखने को मिलता है, फाउंड किया जाता है। क्लियर? सबको समझ में आया? जो अरेबियन सी में जो है आइसलैंड लक्षद्वीप आइसलैंड, तो कवारत्री उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, और बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स आइलैंड्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। यहाँ पर जो फिजियोग्राफिक देखो डिविजन है, फिजियोग्राफिक टाइप जो है उसका बेसिस में इस जगह में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तुम लोग का चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।